समांतर श्रेणी का एनवा पद। चलिए बच्चों, हम एक यहाँ पर समांतर श्रेणी ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी प्रकार आगे। अब यदि इस समांतर श्रेणी का हमें पांचवा पद देखना हो तो आप क्या कहेंगे? पांचवा पद देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पांचवा पद इस समांतर श्रेणी का है 11। यदि हमें इस समांतर श्रेणी का दसवा पद ज्ञात करना हो तो इस श्रेणी से हम दसवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। इसे हमें आगे बढ़ाना होगा, हम लिख सकते हैं 11 के बाद 13, 15, 17, 19, 21 और इसी प्रकार आगे। तो ये जो 21 है ये दसवा पद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हमें दसवें पद के रूप में मिल रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं दसवां पद यहाँ पर हो गया 21। मान लीजिए अब मुझे इस श्रेणी का 150वां पद ज्ञात करना है या 1000वां पद ज्ञात करना है, तब क्या इसी गणना से हम इसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमें किसी भी समांतर श्रेणी के किसी अन्य पद को, चाहे वो किसी भी संख्या में आए, चाहे वो सौवां पद हो या हजारवां पद हो, हमें वो ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। तो चलिए हम यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी के एनवा पद का व्यापक सूत्र क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम समांतर श्रेणी के एनवा पद के लिए कोई एक समांतर श्रेणी यहाँ पर ले लेते हैं, समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 और इसी प्रकार। मान लीजिए कहीं पर यहाँ कोई एनवा पद हो और इसी प्रकार आगे। इस समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद जो है वो मैं A मान लूं और सर्वांतर हम ले लें D, इस स्थिति में इस समांतर श्रेणी का, क्योंकि प्रथम पद हमने A लिया है, यानी A1 का मान कितना हुआ? A। A2 का मान हमें कैसे मिलेगा? जब हम प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ेंगे तो वो होगा इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद, तो इसे लिखा जा सकता है A धन D। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम तीसरे पद की बात करें तो हमारे दूसरे पद में हमें पुनः सर्वांतर जोड़ने पर मिलेगा तीसरा पद, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। आगे इसी प्रक्रिया को बढ़ाने पर ये हमें A4 यानी कि चौथा पद जो है वो कितना मिल जाएगा? A धन 2D यानी कि तीसरा पद धन D बराबर A धन 3D। चलिए आगे देखते हैं। हमने चौथा पद ज्ञात कर लिया है, अब हम पांचवा पद देखते हैं। तो पहले हम लेंगे हमारा चौथा पद और उसमें हमको फिर से सर्वांतर जोड़ने पर मिलेगा पांचवा पद यानी कि A धन 4D। हमने देखा कि जब हमने प्रथम पद के बाद दूसरा पद जब निकाला तो हमें मिला A धन D, जब हमने तीसरा पद ज्ञात किया तो हमें मिला था A धन 2D, चौथे पद की स्थिति में था A धन 3D और पांचवा पद हमें मिला है A धन 4D। आप देखेंगे कि जिस पद की हम गणना कर रहे हैं D का जो गुणांक होता है वो उससे एक कम होता है, तो इसी प्रक्रिया के अनुसार यदि हम इसे सामान्यीकरण करें तो आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार कि जो एनवा पद होगा वो होगा प्रथम पद धन जिस पद की हम गणना कर रहे हैं उससे एक कम, तो हम क्या लिखेंगे? n की जगह होगा n-1 और इसके गुणे में होगा d। तो हम एनवा पद यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रक्रिया के हिसाब से लिख सकते हैं an बराबर A धन n-1 या n-1 गुणित d। यही जो है वो समांतर श्रेणी का एनवा पद है, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है उसका सूत्र मिला है an बराबर A धन n-1 गुणित d। अब यदि मान लें कोई समांतर श्रेणी है जिसमें कुल m पद है, यदि किसी
समांतर श्रेणी में m पद हैं, तब क्या होगा, am उसका जो होगा वो इसके अंतिम पद को व्यक्त करेगा। करता है अंतिम पद को L से भी व्यक्त किया जाता है। स्मॉल L से भी हम इसे अंतिम पद को व्यक्त करते हैं भी। और इसका मान क्या होगा उस स्थिति में, हम L बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि हम ए एम मतलब एम वा पद निकाल रहे हैं, तो इस सूत्र के हिसाब से हम लिखेंगे एल बराबर ए धन एम ऋण एक गुणित डी। उदाहरण चार, समांतर श्रेणी चार सात दस तेरह अनंतक का दसवां पद ज्ञात कीजिए। हल, यहां समांतर श्रेणी में ए जिसे हम पहला पद मानते हैं जो कि चार है, पहला पद चार है तो ए का मान चार हो गया। उसी तरह से सर्वांतर जो है डी जो है, सर्वांतर डी का जो मान होगा वह है द्वितीय पद सात है, उसको हम प्रथम पद चार से घटाएंगे तो हमें सर्वांतर जो है प्राप्त होगा तीन। तो हमने सर्वांतर जो है डी बराबर तीन ज्ञात किया दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। और हमें दसवां पद ज्ञात करना है तो n का मान जो है यहाँ पे 10 लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि n वा पद जो होता है उसके लिए हम सूत्र जानते हैं an बराबर a धन कोष्टक में n ऋण एक कोष्टक बन डी, ये हमें सूत्र एनवे पद का सूत्र है यहां पे। तो इसीलिए दसवां पद निकालने के लिए हम ए दस लिखेंगे। दसवां पद निकालने के लिए हम यह सूत्र का प्रयोग करेंगे ए प्लस एन ऋण एक डी बराबर, यहाँ पे हमारे पास ए का मान है चार धन एन दसवां पद का मान हमको ज्ञात करना है तो दस ऋण एक, और डी का मान हमारे पास तीन है तो गुणा तीन बराबर चार धन दस में से एक को घटाएंगे तो कोष्टक में जो दीवी संख्या दस ऋण एक बराबर नौ गुणा तीन बराबर चार धन नौ गुणा तीन सत्ताईस, और सत्ताईस चार और सत्ताईस का योग इकतीस होगा। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि दी गई समांतर श्रेणी का दसवां जो पद है वो ए दस बराबर दसवां पद इकतीस है। यह इस उदाहरण का हल है।